आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। फिल्म में इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि फिल्म ने 52 करोड़ के साथ एक शानदार ओपनिंग दी थी, लेकिन नेगेटिव रिव्यूज के चलते 300 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई। लेकिन अब इसे लेकर आमिर खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। आमिर खान ने थग्स ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने की बात मानते हुए इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए आमिर खान ने माना है कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और इस फिल्म की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मुझे लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें हमारी फिल्म बहुत पसंद आई थी। आमिर ने आगे कहा कि जो लोग एक उम्मीद लेकर मेरी फिल्म देखने आए थे, मैं उन सभी से माफी मांगना चाहूंगा। मैं उनको उतना एंटरटेन नहीं कर पाया जितना वो चाहते थे। इस पूरे मामले को लेकर तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं अपने काम और अपनी फिल्मों के बहुत ज्यादा करीब हूँ। मैं मेरे बच्चे की तरीके उनसे प्यार करता हूँ। तो अब आमिर ने तो मान लिया है कि उनकी बाकी फिल्मों की तरह थग्स ऑफ हिंदुस्तान कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। आपको बता दें कि दिसंबर में थग्स ऑफ हिंदुस्तान को चीन में रिलीज किया जाएगा। इसको लेकर फिल्म के मेकर्स ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है। इंडिया में तो ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है, लेकिन अब ये देखना वाकई में मजेदार होगा कि थग्स चीन में कितना कमाल दिखाती है। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।